नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सद्भिषा नक्षत्र वाले पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही हम सद्भिषा नक्षत्र के वर्गीकरण को करेंगे और सद्भिषा नक्षत्र वाले जातक को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, सद्भिषा नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि में स्थित होता है। कुंभ राशि में 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश तक सद्भिषा नक्षत्र का आधिपत्य है। अर्थात यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा कुंभ राशि में होकर 6.4 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक है तो यह जातक सद्भिषा नक्षत्र में जन्मा हुआ है। दोस्तों, किसी भी जातक का स्वभाव उसके जन्म नक्षत्र के ऊपर सर्वाधिक डिपेंडेंट होता है, क्योंकि चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होते हैं वह नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र होता है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन, इमोशन, फीलिंग, आपके कॉन्शियस माइंड, इन चीज़ों के कारक ग्रह हैं। और जिस भी प्रकार का जातक का मन होता है, जिस प्रकार की उसकी विचारधारा होती है, उसी प्रकार का जातक का स्वभाव होता है। और यही कारण है कि आपका जन्म नक्षत्र आपके स्वभाव को निर्माण करने वाला होता है। आइए सद्भिषा नक्षत्र के वर्गीकरण को करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सद्भिषा नक्षत्र को वृत्त से दर्शाया गया है। वृत्त का अर्थ है आर्क, एक सर्कल, और उस सर्कल का जो एक छोटा सा पार्ट हम ले लें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो उसका आउटर सर्कमफेरेंस है, तो उसे हम वृत्त कह सकते हैं। सद्भिषा नक्षत्र के अधिपति देवता वरुण देवता माने गए हैं और सद्भिषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु ग्रह होते हैं। सद्भिषा नक्षत्र में कुल 100 ताराएं होती हैं और यह एक चर संज्ञक नक्षत्र है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर आधारित है। नक्षत्रों के 6 प्रकार के स्वभाव बतलाए गए हैं, उसमें चर संज्ञक एक स्वभाव है। नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर मैंने विस्तार पे वीडियो बनाया है। नक्षत्र वर्गीकरण बहुत ही अधिक उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को बहुत ही इजी बनाने के लिए। नक्षत्र वर्गीकरण हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को सरल बनाने के लिए बहुत ही उत्तम विधि है। नक्षत्रों के गुण, स्वभाव, धर्म, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर नक्षत्रों को अलग अलग वर्गों में क्लासीफाई किया गया है और यही है नक्षत्र वर्गीकरण। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए कृपया नक्षत्र वर्गीकरण के प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। सद्भिषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु ग्रह हैं और यह एक चर संज्ञक नक्षत्र होने के साथ साथ इसका गण राक्षस गण है। यह एक राक्षस गण का नक्षत्र है। इसकी योनि अश्व योनि है और यह एक आदि नाड़ी का नक्षत्र है। सद्भिषा नक्षत्र पुल्लिंग संज्ञक नक्षत्र है और आकाशमंडल में यह दक्षिण दिशा में उदित होता है। आइए बात करते हैं, यदि आप सद्भिषा नक्षत्र के जातक हैं तो आपके क्या स्वभाव होंगे। यहाँ पर फलादेश करने से पहले मैं आपको यह चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी फलादेश बतलाया जा रहा है वह सिर्फ़ और सिर्फ आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित है। जैसा कि आपका जन्म नक्षत्र आपके स्वभाव को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार आपके जन्म के समय 3 चीज़ मुख्य उपयोगी है किसी भी जातक के संपूर्ण स्वभाव को समझने के लिए। इन्हीं 3 चीज़ का समावेश मिलकर उस जातक का संपूर्ण पर्सनालिटी का निर्माण होता है। पहला तो जन्म नक्षत्र है, दूसरा जन्म योग और तीसरा जन्म करण। जन्म योग और करण को भी देखना अति आवश्यक है किसी भी जातक के स्वभाव को समझने के लिए। जन्म योग और करण के वीडियो को पॉपअप वीडियो के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बने हैं उसे भी देखना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो भी फलादेश बतलाया जा रहा है वो आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित है और इसका कमोबेश रूप से आपको फल अपने जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं सद्भिषा नक्षत्र के पुरुष के ऊपर। सद्भिषा नक्षत्र के पुरुष बातूनी स्वभाव के होते हैं, सदैव उनको बातें करना पसंद होता है। जहाँ भी बैठते हैं किसी न किसी वार्तालाप में वह व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे जातक स्पष्टवादी होते हैं और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर धर्म भीरुता होती है तथा ऐसे जातक चंचल स्वभाव के भी होते हैं। इनके अंदर कई सारे गुण होते हैं। ऐसे पुरुष स्वच्छता प्रेमी भी होते हैं, सदैव अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। पर सद्भिषा नक्षत्र
वाले जातक के अंदर कुछ अवगुण भी देखे गए हैं। ऐसे जातक विलासिता स्वभाव के होते हैं, विलासी होते हैं, व्यसन में व्यस्त रहते हैं, जुआ नशीले पदार्थों का सेवन एवं पर स्त्रीगामी भी होते हैं और इन्हीं वजहों से इनको अपयश एवं हानि भी भोगनी पड़ती है। शतभिषा नक्षत्र वाले जातक को वरुण देवता की आराधना करनी चाहिए। अपने अधिपति देव की आराधना करने से ऐसे जातक को कष्ट से मुक्ति मिलती है तथा बतलाया गया रुद्राक्ष को आप धारण करें। आइए बात करते हैं, यदि आप शतभिषा नक्षत्र की स्त्री हैं तो आपके क्या स्वभाव होंगे। आप साहसी स्वभाव की स्त्री हैं तथा धर्म भीरु हैं, धर्म को पालन करने वाली हैं तथा बातूनी भी हैं। ऐसी जातिका चतुर होती हैं एवं व्यसनशील होती हैं, शत्रुओं को हराने वाली एवं शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली स्त्री होती हैं। शतभिषा नक्षत्र की स्त्रियां परिवार में सम्मान प्राप्त करने वाली होती हैं एवं ईश्वर की भक्त होती हैं। इनका मन का एक पार्ट ईश्वर में अवश्य लगा रहता है। ऐसी जातिका भी स्पष्टवादी होती हैं, स्पष्ट बोलने वाली होती हैं, थोड़ा सा कंजूस स्वभाव की होती हैं एवं व्यसनों में लिप्त रहने के कारण अपयश एवं हानि की भागिनी बनती है, हानि को प्राप्त करती है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण शतभिषा नक्षत्र वाले पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं। आइए बात करते हैं, शतभिषा नक्षत्र वाले जातक को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ माना गया है। शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि का नक्षत्र है और इसके स्वामी राहु ग्रह है, अर्थात ऐसे जातक को सदैव ऊपरी बाधा और तंत्र मंत्र या फिर किसी प्रकार के अभिचार कर्म के प्रभाव में ऐसे जातक बहुत ही शीघ्र आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और राहु का संबंध बन रहा है। राशि और नक्षत्र से यह संबंध बन रहा है क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु का संबंध बन रहा है। यह संबंध राशि और नक्षत्र से बन रहा है। राशि शनि की है और नक्षत्र राहु का है, अतः चापित दोष का आंशिक फल आपको मानसिक रूप से अवश्य देखने को मिलेगा। तो इसके निवारणार्थ आपको कुंभ राशि का 14 मुखी रुद्राक्ष और राहु ग्रह का 8 मुखी रुद्राक्ष, यह दो रुद्राक्ष बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आपको शनि और राहु के नक्षत्रों में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन अर्थात शतभिषा नक्षत्र वाले दिन आपको इसे धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से शनि और राहु से रिलेटेड, साथ ही कुंभ राशि और कुंभ राशि में बनने वाले सभी प्रकार के योगों से रिलेटेड आपको शांति प्राप्त होगी और मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगी, मानसिक स्थिरता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।